नो बॉल था या नहीं, चलिए पहले बात कर लेते रूल क्या, कमर के ऊपर डायरेक्ट बॉल मतलब नो बॉल। बीसीसीआई ने क्या किया इस सीजन, सभी खिलाड़ियों के फोटो लिए और उनकी कमर जो वेस्ट की हाइट है उसको नापा है, और वहां पे जहां पे पॉपिंग क्रीज होती है जब आप खड़े रहते हैं स्टांस में नी फ्लेक्स करे बिना आपकी हाइट कितनी है कमर की उसको नापा जाता है, वहां से आपको एकदम सटीक रूल मिल जाता है कि भाई यहां से ऊपर गेंद आएगी उस लिहाज से चाहे आप आगे खड़े या पीछे खड़े वहां से नापा जाएगा। विराट कोहली जहां पे थोड़ा आगे खड़े हुए थे बॉल फुल टॉस थी, अगर यही गेंद तेज होती तो कमर के ऊपर निकल जाती क्योंकि स्लोर वन थी, डिप हो रही थी इसी वजह से जहां पे इंपैक्ट किया वहां पे लगा सब फैंस को के कमर के ऊपर जाती, लेकिन डिप हो रही थी उसके बाद और जहां पे पॉपिंग क्रीज में अगर विराट कोहली खड़े होते तो उनकी जो हाइट है उनकी जो वेस्ट है जो माप लिया गया था उससे नीचे होती, मतलब लीगल डिलीवरी होती। सो मेरे हिसाब से और रूल के हिसाब से ये लीगल डिलीवरी थी, उम्मीद है आप सबको इस रूल में क्लैरिटी मिली होगी। तो दोस्तों विराट कोहली के आउट पर जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो नो बॉल थी या नहीं थी, विराट कोहली आउट थे या नॉट आउट थे, इस बात को लेकर इरफान पठान ने रूल बताया है कि यहाँ पर बीसीसीआई ने एक नया रूल बनाया था कि जो प्लेयर है वो अगर क्रीज के अंदर होता है तब वो यहाँ पर नो बॉल नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हो कि विराट कोहली साफ तौर पर बाहर थे और एक नए रूल की वजह से हर प्लेयर की हाइट नापी जाती है और उसके हिसाब से ही चेक किया जाता है कि बॉल वेस्ट लाइन से यानी कि कमर लाइन से ऊपर थी या नहीं, और उसके बाद ही पता चलता है कि विराट कोहली इस मैच के अंदर आउट थे और वो नो बॉल बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।